हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। दोस्तों, आज मेरा आ गया अमेजोन से एक पार्सल। डब्बा जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। मैंने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर दिया था, बिकॉज ओपन बॉक्स डिलीवरी में मैंने इसको चेक वगैरह किया था, बिकॉज इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो है एप्पल की लाइटनिंग टू हेडफोन जैक एडेप्टर। जी हाँ दोस्तों, ये 3.5 mm लाइटनिंग टू एडेप्टर केबल है। यहाँ पे जो है हम इसको हेडफोन और माइक दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने आईफोन के लिए। और कितने में मिली वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका एप्पल ओरिजिनल पे 900 रुपये का प्राइस चलता है। अमेजोन पे मुझे 100 रुपये सस्ती, यानी कि 800 रुपये में मिली है। बट ये प्रिंटिंग भी उतनी सही नहीं, तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे देखिए 677 लिखा हुआ है, और GST एंड ऑल वो सब इंक्लूड करके 799 का प्राइस है। ठीक है, 799 में मिली है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, इस तरह का कुछ जो है हमें छोटा सा एकदम टाइनी सा बॉक्स देखने के लिए मिलता है 800 रुपये में। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अभी बैक साइड पे आपको दिखाऊं तो कुछ डिटेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे भी इसका जो प्राइसिंग है ना 900 रुपीज वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है इसको अनबॉक्स भी कर दिया था एक शॉर्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो बैक साइड पे आपको जो है कुछ इस तरह की सील देखने के लिए मिलती है, जो मैंने निकाल दी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कैसे है, क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला अंदर। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें जो है ये एडेप्टर, छोटी सी एकदम टाइनी सी एडेप्टर देखने के लिए मिलती है। पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से एप्पल का नाम है उसी तरह से एकदम प्रीमियम है। और यहाँ पे कुछ ज़मीन जायदाद के पेपर एप्पल वालों की तरफ से, अगर आपको साइन करके ज़मीन जायदाद उनके नाम करनी है तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। तो ये सब यूज़र मैनुअल वगैरह है। ठीक है, बट और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें फटफट से, अभी इसको जो है मैंने अपने आईफोन 13 के लिए ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे अभी इसको कनेक्ट करने वाले हैं। और फिलहाल जो मेरा बोया M1 माइक है वो मेरे वन प्लस के साथ कनेक्टेड है, जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ और इसको कनेक्ट भी करने वाले, देख सकते हो इतनी टाइनी सी है। और जो केबल की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा नाजुक लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 महीने में ये टूट जाएगी। ठीक है, बट होप फॉर गुड ऐसा ना हो। ठीक है, तो अभी आईफोन के अंदर जो है मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसी है इसकी माइक क्वालिटी वगैरह। दोस्तों, अभी करंट वाले फोन से मैंने जो है ये बोया M1 माइक हमारा निकाली, और पहले आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जो है टाइप सी टू 3.5 mm वाला जो है मैं एडेप्टर यूज कर रहा था, बट अभी इसको निकाल के साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस एप्पल वाले को। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी जो है इसको आईफोन से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं जो है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फिटिंग वगैरह जो है काफी अच्छी है, तो अभी चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको कैमरे में ही दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी जो करंट वाले मोबाइल से रिकॉर्ड करना, इसमें कोई माइक नहीं है, बिकॉज माइक तो यहाँ पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आवाज का डिस्टरबेंस आ सकता है। ठीक है, सो देखिए अभी यहाँ पे दोस्तों जो है मैं रिकॉर्डिंग नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन्स वगैरह आ रही है ये थोड़ी हायर साइड पे आ रही है। अगर मैं शांत हो जाता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगी। देखिए, अगर अब मैं आप वापस बात करता हूँ तो ये हारे हो जाएगी। इट मीन्स ये जो है माइक जो है कनेक्ट हो चुका है, हमारी जो आवाज़ है इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं जो है आपको आईफोन के अंदर कनेक्ट करके इसकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे कोई माइक वगैरह कनेक्टेड नहीं, जिस तरह से आप लोग देख सकते हो कि केबल जो यहीं पे है, मैंने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि आवाज़ कैसी है विद माइक और विदाउट माइक। दोस्तों, अभी मैंने अपने आईफोन 13 के अंदर फाइनली कनेक्ट कर लिया। आप वीडियो ऑडियो जो दोनों आप सुन रहे हो ये इस बोया M1 माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अगर देखिए, अगर मैं नजदीक रखता हूँ तो आवाज़ लाउड हो जाएगी, अगर मैं दूर लेकर जाता हूँ तो आवाज़ जो है थोड़ी सी लो हो जाएगी। सो बस दोस्तों, इतनी छोटी सी थी बस इसकी अनबॉक्सिंग, जिस तरह से बॉक्स है तो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है। अब डोंट नो कि कब तक चलता है, बट हाँ, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आईफोन्स के लिए जो कॉपी वाले आते हैं, जैसे कि अगर आप मार्केट में आपको बहुत सारे 50, 100, 200 रुपये में ऐसे कॉपी वाले मिल जाएंगे 3.5 mm टू लाइटनिंग वाले, बट वो जो है आपके आईफोन के अंदर काम नहीं करेंगे, बिकॉज आईफोन के अंदर जो ओरिजिनल वाला ही काम करता है। तो नॉर्मल आप हेडफोन यूज के लिए भी यूज कर सकते हो कॉपी वाला, बट जो ओरिजिनल वाला है वही कनेक्ट होगा आपके माइक वगैरह के साथ। तो अगर आप भी यूट्यूबर हो या आपका काम ऐसा कुछ है कि अगर आपको माइक वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली ओरिजिनल वन के साथ ही आना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बताना मुझे कि कैसी लगी आपको रिकॉर्डिंग अगर मैं माइक नजदीक लेकर जाता हूं तो। एंड अभी आगे आने वाले टाइम में मोस्टली इसी से आईफोन के अंदर से मैं रिकॉर्ड भी करने वाला हूं, और ऑडियो भी जो है इसी माइक के थ्रू से आपको आने वाली है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना। मैंने इसका शॉर्ट ओपन बॉक्स लिफ्ट वाला वीडियो भी बनाया था, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन पर जाके उसको भी जरूर से चेकआउट कर लो। थैंक यू एंड बाय बाय।